विकासनगर तहसील क्षेत्र के कल्याणपुर सभावाला में एक बूंद भी सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे कल्याणपुर गांव में सिंचाई नहर के पानी के सहारे खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पीड़ित किसानों ने इकट्ठा होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि उनके खेतों में नहरें विभाग ने बना दी है, लेकिन उन नहरों में कई महीनों से पानी नहीं आया, जिस कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जी हाँ, किसानों का कहना था कि उनके कई बार शिकायत करने के बाद भी विभागीय कर्मचारी उनके पानी की मांग पूरा नहीं कर पा रहे। अधिकांश क्षेत्र पर लगभग 600 बीघा भूमि में सिंचाई के लिए नहर के पानी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकास नगर से जोय सिंह बिस्ट की रिपोर्ट। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी समस्या हो रखी पानी की। पानी आता है ऊपर सिंगनीवाला से तो उसको पीछे रोक दिया जाता है, वहाँ पे ताले लगाते हैं, वो लोग ताले तोड़ लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम को फ़ोन करते हैं, मैडम ही बोलती है कि आपकी खेती है वहाँ पे अकेले बंदे की। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी गेहूँ भी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे समस्या ट्वेल की है। ट्वेल हम लोगों को ज़रूर चाहिए कि बहुत गंभीर रह रही है यहाँ। अब रेटर आते हैं यहाँ तो वो पीछे पानी दे के अच्छा जाते, चाबियाँ दे रखी सब कून है पीछे काश कर सब चाबियाँ दे रखी उन्होंने। और यहाँ पानी का कोई तो देख लीजिए, आप भी देख रहे हैं यहाँ पानी कोई नहीं है, घोट भी खेती सब सूख रही है यहाँ।